सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप जो अपना चैनल रैंक पे ला सकते हो अपना चैनल नेम चेंज करने के बाद। जब मैंने वीडियो अपलोड की थी हाउ टू चेंज यूट्यूब चैनल नेम, गाइस उसके ऊपर बहुत जन का डाउट था कि मतलब मैंने चैनल का नेम चेंज कर दिया, अभी तक मेरा चैनल रैंक में नहीं आ रहा, यूनिक नेम है तभी भी रैंक नहीं हो रहा है, 1 दिन हो गया, 30 दिन हो गए तभी भी रैंक नहीं हो रहा। तो गाइस क्या प्रॉब्लम है और किस प्रकार से आप अपना चैनल रैंक कर सकते हो, सभी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस सब डिटेल में बताऊँगा किस प्रकार से आप अपना चैनल रैंक कर सकते हो। तो गाइस चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड इट्स योगेश टेकवाल। सो गाइस अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे योगेश टेकवाल, सो गाइस सबसे पहले मेरा ही चैनल आएगा, क्योंकि मेरे चैनल के नाम से योगेश टेकवाल नाम से कोई भी दूसरा चैनल नहीं है और ये एक ही चैनल है। और फिर मैंने अपने चैनल में ऐसा क्या किया कि जिससे मेरा चैनल फर्स्ट में रैंक हो रहा है, और आपको भी अपने चैनल में ये सेटिंग और ये जो मैं आपको फीचर बताऊंगा वो आपको करना है, उसके बाद आपका चैनल भी रैंक होने लगेगा। तो गाइस बहुत मतलब बहुत ही सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने पढ़ रहा था उसके ऊपर 500 या 600 प्लस कमेंट्स हो गए, और अभी उसके ऊपर डेली कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यही क्वेश्चन रहते कि मैंने चैनल नेम चेंज कर लिया है लेकिन मेरा चैनल नेम शो नहीं हो रहा है, रैंक नहीं हो रहा है, टॉप पे नहीं आ रहा है, किस प्रकार से लाया, इसके ऊपर वीडियो बनाया। तो गाइस इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए, और मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैं बता दिया था कि अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी बना दूंगा। तो गाइस फाइनली ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आप जो अपना चैनल रैंक कर सकते हो। सो गाइस अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मोबाइल की ओर बढ़ते हैं, और मैं आप भी आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, एक भी कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका चैनल में प्रॉब्लम हो सकता है, रैंक नहीं होगा। तो मैं अभी आपको जो प्रोसेस बताऊंगा उसको स्टेप बाय स्टेप देखना, उसके बाद आपका चैनल भी जो है रैंक होने लग जाएगा। सो गाइस अभी मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन की और गाइस अभी आपको जो सिंपल से अपना क्रोम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, और अभी आपको जो क्रोम एप्लीकेशन से अपने क्रिएटर स्टूडियो से करना है, यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन से आप नहीं कर सकते हो, उधर आपको कुछ ये सारी सेटिंग्स नहीं है। तो आपको सिंपल से अपना क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लेना है, तो जो अगर आपको नहीं पता तो आप डेस्कटॉप स्टार्ट करके क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर सकते हो। तभी मेरे पास एक चैनल है मुंबई का क्रिएशन, तो वही चैनल से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप कर सकते हो, क्या करना है सब आपको बताऊंगा। तो सिंपल से आपको क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करना है। अगर आपको नहीं पता है क्रिएटर स्टूडियो किस प्रकार से ओपन कर, इसे क्लासिक स्टूडियो भी कहते हैं, तो यार उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो अलग बना दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा, अभी बताऊंगा तो गाइस बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, और अभी जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो सिंपल से आप क्रिएटर स्टूडियो में आ गए, तो उसके बाद आपको लास्ट में आप देख सकते हो एकदम लास्ट में एंडिंग में सेटिंग का ऑप्शन है, उसके नीचे और एक ऑप्शन है, तो आपको सिंपल से उस सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जैसे मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, तो देख सकते हो उसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है, और गाइस इसके बाद आपको इधर कीवर्ड लिखना है। अभी कीवर्ड के दो तो आप जैसे चैनल पर क्लिक करोगे तो सेकंड ऑप्शन, तो आप देख सकते हो गाइस इधर बेसिक इन्फो और उधर आपको एक कंट्री, और उसके नीचे आप देख सकते हो कीवर्ड्स। तो गाइस ये कीवर्ड्स आपको लिखना है, अगर आपने स्टार्टिंग से कीवर्ड्स ही नहीं लिखे थे, पुराना नेम ओल्ड नेम जो था उसके कीवर्ड रखे थे, तो आपको उधर चेंज कर लेना है, और आपको पुराने भी रखना है और साथ में आपको नया रख देना है। अगर आपको नहीं चाहिए पुराना, आपको नाम हटा ही देना है परमानेंटली, तो फिर आपको वो भी कीवर्ड्स डिलीट कर देने, उधर से आप कैंसिल कर सकते हो, देख सकते हो आप उधर क्रॉस है, तो जैसे आप इधर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये डिलीट होगा। तो गाइस ये चैनल पे देख सकते हो मुंबई का क्रिएशंस, और इधर बहुत सारे जो कीवर्ड्स लिखे अगर आप सर्च करोगे मुंबई का क्रिएशंस तो ये भी चैनल पहले ही रैंक होएगा। तो इसी प्रकार से मैंने अपने योगेश टेकवाल चैनल में भी ऐसे लिखे है, टेक्नोलॉजी योगेश टेकवाल योगेश कावड़े मेरा नाम है, आप देख सकते हो मैं उस प्रकार से लिखता हूँ, और एक टेक है वो भी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपका चैनल 100% रैंक हो ही जाएगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, वेट करना है, क्योंकि जस्ट नाउ नहीं हो सकता है, अगर आपने अभी भी कीवर्ड लिख दिया तो उसको 1-2 दिन लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, उसके बाद आपका चैनल रैंक होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इधर सिंपल से क्लिक करना है, उधर आपको जो कुछ भी आप टाइप कर देना, जैसे कि अगर आप मेरे चैनल का नाम योगेश टेकवाल है तो आपको योगेश स्पेस टेक स्पेस वर्ल्ड मैं लिखूंगा और उसके बाद एंटर दे दूंगा, या फिर आप कॉमा देके भी एंटर दे सकते हो, तो दोनों तरीके से आप टैग लगा सकते हो, इधर कीवर्ड लगाने है जिससे कि एल्गोरिथम को पता चल जाए कि हाँ यही चैनल है, और पुराना नेम हट गया, फिर अपने चैनल का नेम भी नया चूज कर लिया तो आपका चैनल का नेम भी वही रहेगा, और उसके बाद आप कीवर्ड लिखोगे तो एल्गोरिथम को पता चल जाएगा परमानेंटली, मतलब एकदम फिट हो जाएगा एल्गोरिथम में कि यही चैनल है, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप चैनल रैंक होने लग जाएगा। तो वैसे ये बात होगी कीवर्ड को मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप कीवर्ड लिखोगे तो आपका चैनल रैंक होने लगेगा। अगर आपका चैनल पर आपने कीवर्ड ही चेंज नहीं किए, मेरा चैनल टेक्निकल योगेश नेम था पहले, उसके बाद मैंने योगेश टेकवाल कर दिया, तो मैंने टेक्निकल योगेश भी रखा है, योगेश टेकवाल भी रखा है, लेकिन टेक्निकल योगेश से अभी आई थिंक तो मैंने कभी किया नहीं सर्च, तो रैंक का पता नहीं, लेकिन योगेश टेकवाल रख दिया। अगर मेरे को परमानेंटली जब योगेश टेकवाल रहेगा तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। तो अगर आपने अपना चैनल परमानेंट एक ही कर लिया है, नाम फिक्स कर लिया है, तो फिर आप जो पुराना कीवर्ड है उसको हटा सकते हो, और ना ही रख लोगे तो डायरेक्टली उसी नाम से होगा, और आप मतलब बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि पुराने नेम से आ रहा है नए नेम से नहीं आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो, ये ट्रिक कीवर्ड लिख सकते हो, उसके बाद आपका चैनल धीरे धीरे रैंक होने लग जाएगा। तो गाइस ये बात थी कीवर्ड की, और आपको एक सेटिंग कर लेना, आप मतलब एक चेंजेस कर लेना, जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे तो वीडियो अपलोड करते समय आपको पता है कि टैग लगाते हैं, अगर आपको नहीं पता है किस प्रकार से टैग लगाना है तो उसके ऊपर वीडियो बना देगा गाइस, वो देख सकते हो, वीडियो जो मैं आई बटन में दे दूंगा। तो गाइस जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे तो उधर टैग का ऑप्शन रहता, तो उधर आपको टैग में जो भी आपका नया नेम है वो लिखना है, हैशटैग नहीं लिखना है गाइस, जैसे कि योगेश स्पेस टेक स्पेस वर्ड ऐसा लिख देना, मतलब मैं भी लिखता हूँ तो आप देख सकते हो, टैग्स पता कर सकते हो किस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो वायरल टैग्स, उसके ऊपर वीडियो बना देगा गाइस, टैग से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन टाइटल हर एक से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिए,
तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, सारी वीडियो देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कीवर्ड लिखने के बाद आपको जो है टैग में भी अपना नाम लिखना है, जिससे कि जो कोई भी वीडियो आप सर्च करोगे आप नए नाम से तो वो आ जाएगी। तो उधर आपको सिंपल से अपलोड करते समय जो भी आपका नया नेम है वो लिख देना है और उसके बाद एंटर दे देना है, तो वैसे आपका टैग लग जाएगा। और टैग जो आपको ज़्यादा करके वाई टी स्टूडियो एप्लीकेशन से लगाने, क्रिएटर स्टूडियो से नहीं, वैसे आप टैग लगाओगे तो एल्गोरिथम को और पता चला कि हाँ मतलब ये चैनल, ये वीडियो इस चैनल से रिलेटेड है, तो फिर आपका चैनल रैंक होने में और थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा, फिर आपका चैनल रैंक होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से चैनल नेम चेंज करने के बाद आप अपने नए चैनल को रैंक कर सकते हो। सो गाइस, मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता दिया है किस प्रकार से आप जो है अपना चैनल रैंक पे ला सकते हो। चैनल नेम चेंज करने के बाद नए नाम से एकदम टॉप में आपका चैनल आएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे पूरा प्रोसेस, तो गाइस 100% मैं बताता हूँ आपका चैनल रैंक होने लग जाएगा। और अगर आपका चैनल नेम यूनिक है तो फिर कुछ भी डाउट नहीं, रैंक होएगा मतलब होएगा ही, लेकिन यूनिक नहीं है तो एक यूनिक नाम ढूंढ लेना और वही अपने चैनल को नाम रखना। और फिर कीवर्ड्स और टैग्स मैंने जैसे आपको बताया उस प्रकार से लगाओगे तो आपका चैनल रैंक होने लग जाएगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सोगे। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, उधर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको कौन से भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, उसको मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है 6 से 1 शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।